गाइस अभी हम आए हैं बारबेक्यू एक रेस्टोरेंट में जो कि रजनी चौक पे मौजूद है और हम इनके साथ आए हैं यहाँ पे। थोड़ा बहुत मस्ती भी करेंगे और खाना भी खाएंगे, देखते हैं कैसा लगता है और हमें जैसा भी लगेगा हम आपको बताएंगे और थोड़ा सा डिसेंट रिव्यू देने की कोशिश करेंगे। ऐसा बायस नहीं होंगे उनके तरफ से, थोड़ा बढ़िया बनाया है ऐसा बनाया जैसा रहेगा वैसा बताएंगे एकदम बिल्कुल। और इनके साथ हम आए हैं अमन खुशी ब्लॉगर, इनको भी सब्सक्राइब करना है एक चैनल यूट्यूब पर। तो अभी देखिए कैसा लगता है हमें और हम अभी जस्ट ही आए हैं यहाँ पे, कुछ आपको कुछ ट्राई करके बताएंगे यहाँ का टेस्ट कैसा था। और हम मेनली वेज ऑर्डर करने वाले हैं क्योंकि आप सैटरडे का आदमी है और मैं आदमी नॉन वेज नहीं, वेज और आपको बताएंगे यहाँ पे कैसा टेस्ट है ना। तो बने रहिए वीडियो में, आगे भी बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ही अच्छा अच्छा मिलेगा कंटेंट। हाँ बने रहिएगा वीडियो में। पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे इसको ऐसे दबाओ, इसके कलर देखो भाई, कलर इसके एकदम से कलर बदल रहे हैं यहाँ पे, बहुत सही सा कलर इसमें बहुत सारे कलर दिए गए हैं देख सकते हो। ये वाला भी काफ़ी सही से लग रहा है, बाकी हाँ ये मेरे को बहुत अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे, फील अच्छा खासा। मैं बताऊँगा मैंने ऑर्डर करा यहाँ पे, मतलब मैंने क्या ऑर्डर करा, इन्होंने मतलब कुछ कहा है रेस्टोरेंट के जो ओनर है उन्होंने ही मतलब हमारे लिए पनीर टिक्का ऑर्डर करा हुआ है। तो देखते हैं अभी हमारे साथ बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ यहाँ पे खाएंगे और आपको बताएंगे कैसा लगता है। देखिए यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे आ चुका है, पहले आप बोलिए। तो राजी आपको ये देख के कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए। देख के तो बहुत सही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ बहुत सारा टेस्टी है इसमें, टेस्ट तो बहुत सारा लग रहा है। क्या कलर देख सकते हो आप, पूरे की पूरे मतलब येलोइश टाइप से हो चुका है और बहुत सही से पकाया गया है इसे, ऐसा तो बोलूँगा। बाकी इसे खाने के बाद ही पता चलेगा इसका ओरिजिनल जो इसका स्वाद है वो कैसा है। तो बने रहिए आप, हम लोग कुछ ट्राई करके बताते हैं। तो देखो हमारा यहाँ पे आ चुका है पनीर टिक्का, यहाँ पे देख सकते हो इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है। एंड हम पूछते हैं अमन जी से कैसा लग रहा है उनको ये देखने में और खाने में भी, कैसा लग रहा है। तो देखने में तो काफ़ी लजीज लग रहा है और काफ़ी स्पाइसी लग रहा है, तो जैसा कि देखने से तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं इसे ट्राई करके आपको बताऊंगा कि ये कैसा है, देखने में काफ़ी माहौल सेट हो चुका है। हम और राज पाटिल जी खा करके इसे मैं बताऊंगा कैसा टेस्ट है, तो बने रहिए। तो अभी ये खा रहे हैं और ये खा के आपको बताएंगे कैसा लग रहा है। तो गाइस अभी राज पाटिल जी ट्राई कर रहे हैं, आप लोग जरूर आइए बारबेक्यू हट में और आपका मोस्ट वेलकम है, बेस्ट है सच में, टेस्ट बहुत सही है इसका, यहाँ का बहुत सही टेस्ट लग रहा है हमको, इनको भी बहुत सही टेस्ट लगा और हमको भी बहुत सही टेस्ट लगा। तो काफ़ी सही सा है, मतलब इस बार इसके हमने पनीर टिक्का ऑर्डर करा था और इसके अंदर में जो इसका स्वाद है और ज़्यादा अच्छे से आता है। अगर हम बाहर के बारे में बात करें, बाहर थोड़ा सा क्रंची टाइप से है बट इसका अंदर जो है वो बहुत सही है, तो हमको अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा मेरे को लगता है ऐसा। तो आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करो बारबेक्यू में आके, बहुत नज़दीक पड़ेगा रजनी चौक के ठीक से, दे आओ वहाँ पे बहुत आपको अच्छे से मिल जाएगा, बहुत बड़ा बैनर भी लगा यहाँ पे बारबेक्यू का और लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पे भी ये हैं तो उन्हें आप फॉलो करके वहाँ से भी आप कॉल करके कुछ भी कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत खाते हैं एंड बाद में आपसे मिलते हैं। तो गाइस बहुत सही लगा यहाँ पे आके बारबेक्यू में और क्या बताऊँ इसलिए इसके बारे में, काफ़ी मज़ा भी आया यहाँ पे खाने में और आप लोग भी आओ एक बार से ट्राई करो, बहुत सही सा जगह है। हमारे साथ अमन भी आए थे, इन्होंने भी खाया, इन्होंने भी बहुत बढ़िया लगा, तो आप एक बार आओ यहाँ पे एंड चेकआउट करो इस प्लेस को, काफ़ी सही सा प्लेस है। तो कैसा लगा सर आपको खा के? बहुत ही अच्छा लगा, मज़ा आया एकदम खा के, एकदम स्पाइसी था। आप लोग भी ज़रूर आइए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने कपल्स लोग भी आ सकते हैं, काफ़ी प्राइवेट प्लेस में और काफ़ी एकदम शांत जगह है, माहौल भी मस्त है और फूड भी मस्त है, बहुत तो मैं इसे 10/10 देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी कमी नहीं लगा। सही है बहुत सही जगह है, आप आओ एक बार एंड ट्राई करो इसको। एंड इसमें मैं आपको मेन्यू बताना भूल गया, मेन्यू बताता हूँ आपको, मेन्यू देख सकते हो यहाँ पे चाइनीज़ वगैरह और सूप वगैरह, नूडल्स, पकौड़ा, बिरयानी, सब कुछ अलग अलग में दिए गए, और यहाँ पे आपको एक पिक भी देखने को मिलता है, तो अभी आपको अच्छे से पता चल जाए। आओ एंड विजिट करो इस प्लेस को, काफ़ी सही सा प्लेस है, रजनी चौक के ठीक सामने में पड़ता है, तो आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हो। एंड एक बात बताऊँ, इसके उस पर आपको देख सकता है
ना आप किसी को देख सकते हो, तो मेरे को ठीक लगा ऐसा, मतलब प्राइवेट प्लेस पे बहुत सही सब चीज़ है। तो आप भी एक बार आओ इसे एंड चेकआउट करो, वीडियो में बताता है, मिलेंगे अगले वाली खतरनाक वीडियो में। और हाँ, मेरे को बहुत सही सा लगा ये बारबेक्यू का, तो बाय बाय, मिलेंगे अगले बार।